इन्होंने बोला कि वो पता नहीं। नरिसमेंट की वजह से उनको माता बोलती हैं। तो सनातनी भाई ये बताइए कि अब सांड के बिना माता आपको दूध दे सकती है, मतलब फिर कैसे नरिसमेंट होगी आपकी अगर हाँ सांड नहीं ये भी होगा? तो बात, मतलब ये सही सब उसका रोग मैंने यार कहा। आप कैसे, मतलब रुको कैसे उसको यार हाँ मतलब भाई, आपको इग्नोर कर रहे हो? यार मतलब नहीं ये सब, गलत है मैंने ना तो आपका, दूध कैसे देगी गौ बताओ? माता वापस लाते हैं, ये नहीं हाँ अपना मतलब अंकल को गौ वापस लाते हैं। बहुत अच्छा सवाल आ जाता है। माता जो है वो तक हमने वो दिया ना कि जो हमारी नरिशमेंट नहीं में यार हेल्प अभी करती है। आपने अब आप देखो तो ये सनातनी बताओ, भाई, हाँ जी बोलिए हाँ जी सनातन हेलो। भाई। हाँ जी हम जी पिछली बार भी आया था ना, आपने कहा था कि ऐसा कुछ प्रूफ या मतलब ऐसी चीज लेके आना लॉजिक या साइंस के हिसाब से कि गुड़ की प्रूफ हो सके, पिछली बार बोला था आपने। हाँ हाँ तो फिर मैं लाया हूँ कुछ चीजें, चलो बताओ क्या लाए बताइए। हो। तो फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा इसी पे, मतलब साथ साथ ही चलते हैं आपको उसी में क्वेश्चन नहीं पूछना उसी में है मैं भाई, आपको क्वेश्चन नहीं पूछना है, आपको नहीं, जवाब देना है भाई, यहाँ पर साबित जो चीज मैं करना लाया है। हूँ उसके लिए। हाँ जो चीज मैं लाया हूँ एथिज्म उसके पे क्या रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछना है सर, पड़ेगा। एक बार सुन लेते ना, बताइए एथिज्म में पे क्या क्वेश्चन है हाँ बताइए। मुझे आपसे ये पूछना है कि क्रिएशन किसने की, जो मैं चीजें लाया हूँ वही एक्सप्लेन करूंगा आपको फिर। क्रिएशन किसने की? रुकिए आप मुझको 1 मिनट का समय दें, मैं आपको अभी स्क्रीन मतलब फोटो खींच के मैं भी आपको पढ़वा देता हूँ, ठीक है? क्रिएशन कैसे, किसने की, ये सवाल नहीं है ना, क्रिएशन हुई कैसे, ये नहीं मेन सवाल है। कोई यहाँ मेरा पर क्वेश्चन व्यक्ति यही है नहीं है ना। अगर सनातनी जी देखिए, तो फिर यहाँ पर ये दिक्कत हो जाती है। अगर आप ये कहेंगे क्रिएशन किसने की, तो फिर उस किसने का क्रिएशन किसने किया, ये भी उसका क्वेश्चन जवाब है बनता मेरे है ना, पास। क्या है बताइए किसने किया? हाँ पहले आप ये तो बताओ कि क्रिएशन हुई है ना, मतलब स्टार्टिंग तो हुई है क्रिएशन की, अरे मेरे ये भाई तो मानते हो असनातनी आप। जी, आपका लॉजिक ये है कि इस क्रिएशन का कोई क्रिएटर है ना, तो उस क्रिएटर का क्रिएटर कौन है? और उसमें भी दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई क्रिएटर है तो वो आपका वैदिक ईश्वर है, इस बात की क्या गारंटी है? मैं वही तो आ रहा हूँ, मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना। आपने ये तो मानते हो ना आपकी क्रिएशन हुई है, स्टार्टिंग हुई है क्रिएशन की, इस पे तो अग्री करते हो ना मेरी बात तो भैया बिग बैंग से स्टार्ट हुआ यूनिवर्स, बिल्कुल हुआ है। पे। हाँ बिल्कुल, हाँ तो बस वही बात है, वही पूछ रहा हूँ मैं, अग्री कर रहे हो ना आप? ठीक है, फर्स्ट पॉइंट अरे अगर भैया अग्री तो करेगी उसके पीछे क्रिएशन, कोई क्रिएटर है कि नहीं है, ये आपका मेन आर्ग्यूमेंट है ना, क्रिएशन तो वही वही है, मैं एक्सप्लेन करूंगा ना वो क्रिएटर अपने आप कैसे हुई है, है ना, कोई इसके हाँ मैं पीछे वही कोई करूंगा ना, नहीं एंटिटी नहीं हो अगर सकती। अवेलेबल है, अगर सुनिए सनातनी जी, अगर इसके पीछे कोई एंटिटी अगर अवेलेबल है तो उस एंटिटी का क्रिएशन किसने किया, ये क्वेश्चन उठता है ना, हाँ मतलब ठीक उस है। भगवान के ऊपर भी कोई भगवान है। नहीं, मैं बताता हूँ। देखो क्रिएशन स्टार्टिंग हुई, इसका मतलब ये है कि स्पेस टाइम मैटर स्टार्ट हुए जीरो से, सही है ना? देखिए सनातनी जी मेन क्वेश्चन ये है कि जी अगर आप अपने मैं क्रिएटर का उसपे जा ही अगर रहा आप हूँ ना, वो प्रूफ दे तो रहे सेकंड पार्ट है हैं, ना भाई, वो तो सुनिए सेकंड पार्ट है, सनातनी फर्स्ट जी, पे तो आप बोलोगे बार कुछ। सनातनी जी आप मेरे ख्याल से आप हिंदू हैं और आप वैदिक ईश्वर को मानते हैं, आप वेदों को मानते हैं, तो आप अपने वेदों से बिल्कुल लेकर आइए कि वेद में नहीं ऐसा नहीं कहाँ लिखा है देखो कि इस सृष्टि की रचना कैसे हुई, वो पैराग्राफ हमको दिखाइए, हम पढ़ते हैं उसको। पिछली बार तो श्री में इन्होंने मुझे बोला था कि अभी तो तुम, अभी तुमने ऋग्वेद पे बोल नहीं लिया नहीं और सनातनी जी ऐसा आप कुछ ये जो लाना बातें कि कर रहे लॉजिक हैं है उससे। सनातनी, नहीं नहीं सनातनी जी आप ये जो बातें कर रहे हैं ना, आप अपने मन से धर्म और साइंस को मिला के खिचड़ी बना के आप आपको खिला रहे हैं, ठीक है? ऐसा ना मैं तो पूछ करें, रहा हूँ आपसे आपके भाई। नहीं, मैं बताए पढ़वा दूंगा ना आपको, मैं आपको भी पढ़वा दूंगा कैसे क्या क्रिएशन हाँ हुआ, मैं पढ़वाओ, आपको भी चलो सब दिखा हाँ दूंगा, दिखा दो। मेरे को 2 मिनट का समय दें। चलिए मैं अभी खोजता हूँ, ओके तब तक आप मुझको वेदों से आप मुझे रेफरेंस दीजिए कि वेद के कौन से, वेद के कौन से मंडल या कांड में, कौन से सूक्त में इस वर्ल्ड की क्रिएशन लिखी हुई है, वो आप मुझे बताएं, ठीक है? आप खोज के लाइए, मैं आपको 2 मिनट में आपको मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तब तक आजाद जी अगर आपको बात करनी है तो आप कर सकते हैं। हाँ हाँ भाई सनातनी सनातनी आपको, देखो आप बोल रहे थे कि थोड़ा प्रूफ आप इससे भी लेके आएंगे, तो इससे लेके आए अपने धर्म ग्रंथों से साबित करने के लिए अपने ईश्वर? भाई, धर्म ग्रंथ का तो क्लेम ही है ना कि ईश्वर ने बनाया, उसमें क्या प्रूफ दो? अरे तो क्लेम तो साबित भी तो करना पड़ेगा ना आपको, क्लेम तो हम कर दें कि हम ही खुदा हैं, तो फिर क्या हम हो जाएंगे भाई बताओ? देखो ठीक है, धर्म ग्रंथ ने क्लेम किया कि भगवान ने बनाया, तो उसका मैं प्रूफ आपको लॉजिक और सब चीजें मिला के दूंगा ना। अब वेद के लॉजिक से उससे तो सब कुछ मानोगे नहीं नहीं, अगर होता ना, कुछ भी आपको दिखा दूंगा। दिखाना पड़ेगा ना। चलो लॉजिक देखते हैं आपका, क्या लॉजिक है, चलो लॉजिक ही दिखाओ। चलो इनको ढूंढने दो एक बार, वो दिखाएंगे मुझे, फिर करते हैं बात। नहीं नहीं पहले आप, तब तक वो ढूंढ रहे हैं, उनको टाइम लगेगा क्योंकि किताब से वो आपको रेफरेंस देंगे, तब तक आप बात, तब तक बताइए, आप दिखाइए लॉजिक दीजिए। चलिए आप लॉजिक भाई ईश्वर मेरा ले को आज आपके लॉजिक उसी दोस्तों, आप लोग लाइक क्रिएशन शेयर पे ही जरूर है, करते हैं।
चलो दिखाओ मेरा लॉजिक ही क्रिएशन पर है, तो वो एक बार दिखा दे तो फिर आगे बात चलती है। हाँ तो दिखाओ ना यार भाई, लॉजिक क्रिएशन पे आपका वैदिक ईश्वर कैसे साबित होगा, वो लॉजिक लगाओ ना थोड़ा, दिखाओ क्या लॉजिक लगाते हो, जरा हम भी तो चेक करें ना आपका लॉजिक कितना काम करता है। भाई भाई उपनिषद के हिसाब से तो ये है, उसने लिखा है कि जब कुछ भी नहीं था, ना सत्य ना असत्य और ना कोई मटेरियल चीज ऐसी, उस टाइम सिर्फ ब्रह्म था, और उस ब्रह्म से ही ये जितनी भी मटेरियल क्रिएशन और सब कुछ वही बात वो आती, क्रिएट हुई ब्रह्म और कहाँ आत्मा से उससे था बनी। फिर, कहाँ से था ब्रह्म, उस कहाँ से आया था भाई ब्रह्म का, उसे ही तो मैं ब्रह्म एक्सप्लेन का करूंगा ना लॉजिक क्रिएशन और उससे। किसने किया? चलो ब्रह्म का क्रिएशन मैं किसने वही तो किया बोल फिर रहा बताओ। हाँ हूँ, लॉजिक बताओ ना। मैं इसी चीज को लॉजिक और जो साइंस की जो मैं आपने पिछली बार बोला था लेके आना, उसी से एक्सप्लेन करूंगा, तभी मैं कह रहा हूँ उनको नहीं, खोलने बताओ दो। बताओ बताओ ना, तो फिर मेरे को बताओ लॉजिक दो ना, ब्रह्म को किसने बनाया, चलो इसका लॉजिक बताओ। हाँ ठीक है, तो हमारी जो क्रिएशन है जितनी भी टाइम स्पेस और मैटर, वो जीरो से स्टार्ट हुई, तो इसका मतलब है कि उसकी क्रिएशन हुई अरे है। यार आप और साइंस जो पे मत जाओ यार, आपका ब्रह्म साबित आ रहा करना हूँ है रुको, आप, बोलने दो मुझे साइंस ब्रह्म को को यार। रिलेट नहीं करो यार, साइंस का और धर्म का कोई रिलेशन नहीं है, देखो यार साइंस से रिलेट मत करो तो यार भाई आप धर्म को, तो अभी मैं धर्म लॉजिक और कचरा है साइंस के यार, हिसाब साइंस से से समझूंगा रिलेट ना नहीं हो सकता क्रिएटर वो, है भाई। मुझे एक आपके बात धर्म एक के हिसाब से सुन, जानना, आप साइंस पे चलिए मत मैं जाओ। पढ़वा देता हूँ इनको। देखिए सनातन जी, प्रॉब्लम ये है ना कि आप क्या है, स्टूडेंट हैं आप साइंस के, शायद आप पीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप लॉजिकल थिंकिंग वाले आप पर्सन हैं, पर आप क्या है ना धर्म की जकड़नों से या जंजीरों से जकड़े हुए हैं, आप उन धर्म ग्रंथ पढ़ने का कोशिश करें जो लिखा है इसमें, ठीक है? आप क्या ब्लाइंडली आप किसी चीज को डिफेंस ना करें, एक बार ना अपने माइंड को सेंटर पॉइंट पर रखें, चीजों को तार्किक रूप से आप पकड़ने की कोशिश करें, क्योंकि आप आने वाले टाइम में आप हो सकता है पीएससी क्वालिफाई कर ले, आप कहीं पर आईएएस आईपीएस बन जाए, है ना? तो वहां पर आपके सामने ऐसी कई बार स्थिति आएगी जिस टाइम पे आपको किसी का पक्ष ना लेते हुए अपना डिसीजन देना होगा। तो आप ही समझिए, आज आप चीज को डिफेंड कर रहे हैं, उसके पास आपके पास कोई प्रॉपर पॉइंट नहीं है। आप अपने नहीं वो वैदिक मैं ईश्वर एक्सप्लेन को तो आप करूंगा ना पॉइंट डिफेंड करें, इवन अपना आप सनातन जी आप अपने ब्रह्म को तो डिफेंड कर रहे हैं, पर वो अभी। ब्रह्म जो है, अगर मैं अभी ये जो ब्रह्म जगत सत्य और ब्रह्म मिथ्या वाली ये जो किताब मेरे पास रखी हुई है, जो ब्रह्म सूत्र का जो शंकर भाष्य है, अभी अगर मैं खोल दूंगा तो फिर तोते उड़ जाएंगे। आपने तो ब्रह्म सूत्र भी नहीं पढ़ा होगा, शंकर भाष्य नहीं पढ़ा होगा, और अब ब्रह्म की व्याख्या कर रहे हैं। नहीं मैंने उपनिषद पढ़े हुए, तो मैं ब्रह्म की वो कर सकता हूँ डेफिनेशन क्या है। नहीं तो कौन से उपनिषद में ब्रह्म की डेफिनेशन लिखी है? अच्छा चलिए मैं आपको साइंस से बता देता अच्छा हूँ, हम मैं आपको बृहदारण्यक में भी इस है। बृहदारण्यक उपनिषद मैं भी खोल दूंगा ना, उसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई है ना कि आपको सुन के कानों से धुआं निकल जाएगा, ठीक नहीं है? देखो वो बात मैं आपने ब्रह्म का पूछा, ब्रह्म की बृहदारण्यक में भी है, तैत्तरीय उपनिषद में भी है, और मेरे कठोपनिषद में जो मैंने पढ़े भाई, हैं सब में पढ़ा मैंने तो। मेरे भाई, वो जो डेफिनेशंस लिखी हुई है ना, वो इतनी ज्यादा बचकानी है कि उसके आज के डेट में उसका कोई सेंस नहीं बनता है। चलिए मैं आपको साइंस से दिखा देता हूँ कि एक्चुअली में साइंस है क्या साइंस होती है बताओ। इसके बारे में। एक मिनट, चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, इसको थोड़ा समझने का कर दो प्रयास जी कर करेंगे, दो। अगर आप इसको चाहेंगे तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है? ये देखिए थोड़ा सा ये धुंधला हो गया होगा, ठीक है? ये देखिए थोड़ा दिख नहीं रहा, थोड़ा सा सा बोल दीजिए। धुंधला हो दिख गया नहीं होगा, रहा मैं लेकिन हाँ पढ़ के कोई बता बात रहा हूँ। ये नहीं, बोलो। देखिए, आज विज्ञान ने स्पष्ट कर दिया है कि परमाणुओं को गति देने के लिए किसी ईश्वर की जरूरत नहीं, क्योंकि पदार्थ मैटर स्वाभाविक तौर पर गतिशील है। प्राचीन भौतिकवादी इसे स्वभाववाद करते थे। आज विश्व के भौतिकविद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि संपूर्ण मैटर 6 प्रकार के क्वार्कों और 6 प्रकार के लेप्टॉनों के संयोजन से निर्मित माना जाता है। यानी आज के जो मैटर है वो 6 क्वार्क और 6 लेप्टॉन से बना हुआ है, ठीक है? अब ये देखिए, 6 क्वार्क के नाम है अप डाउन चार्म स्ट्रेंज बॉटम एंड टॉप, और 6 लेप्टॉन है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो टैन टाउ नहीं टाउ है टाउ सॉरी टाउ टाउ न्यूट्रिनो म्यूऑन म्यूऑन न्यूट्रिनो, ठीक है? परमाणु में 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, परंतु इनमें इलेक्ट्रॉन ही अकेला मूल कण है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मूल कण नहीं है, क्योंकि एक प्रोटॉन 2 अप क्वार्कों और 1 डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है।
इसी तरह एक न्यूट्रॉन एक अप क्वार्क और दो डाउन क्वार्कों से बनता है, यह फिजिक्स की आप किताब में आपको मिल जाएगी, जो 11th 12th की फिजिक्स की बुक होती है ना, उसपे ये अप क्वार्क डाउन क्वार्क का बड़ा अच्छे तरीके से डायग्राम के साथ बताया हुआ है। इनके अतिरिक्त 5 गेज बोसॉन है, जिसके नाम है, गेज बोसॉन के नाम है ना, फोटोन, ग्लूऑन, जेड डिग्री, डब्ल्यू प्लस एंड डब्ल्यू माइनस, ये भी मूल कणों में शामिल है। इस तरह स्टैंडर्ड मॉडल के 17 मूल एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, 6 क्वार्क, 6 लेप्टॉन और 5 गेज बोसॉन, यानी टोटल 17। तो 17 जो है एलिमेंट्री पार्टिकल्स माने गए हैं, ठीक है। और ये देखिए एक एक अन्य कण है हिग्स बोसॉन, यद्यपि गेज बोसॉन नहीं है, मतलब ये जो हिग्स बोसॉन है वो गेज बोसॉन के अंदर नहीं आता है, जो मतलब जो सर ने जो किया था, जो हैड्रॉन कोलाइडर में उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करके जो हिग्स बोसॉन पार्टिकल बताया था उन्होंने, मतलब थ्योरेटिकली ये बहुत पहले बता दिया गया था, बट इसको 2012 या थोड़ा उसके आसपास इसको प्रैक्टिकली हम इसको करके देखे थे। तो ये गेज बोसॉन नहीं है, तथापि उसकी परिकल्पना भी स्टैंडर्ड मॉडल में की गई है और अब यह प्राप्त भी हो चुका है 2012 में सर्न प्रयोगशाला। ये देखिए प्रत्येक मूल कण का एक प्रतिकण भी होता है, जिसका आवेश कण के आवेश के विपरीत होता है, यानी नेगेटिव, जो एंटी पार्टिकल्स होते हैं। इस तरह 6 क्वार्कों के 6 प्रति क्वार्क यानी एंटी क्वार्क्स हैं और 6 लेप्टॉनों के 6 प्रति लेप्टॉन यानी एंटी लेप्टॉन्स हैं, ठीक है। जहां तक बोसॉनों का प्रश्न है, 3 बोसॉन, फोटोन, ग्लूऑन और जेड डिग्री अपने प्रतिकण एंटी पार्टिकल आप ही होते हैं, यानी ये जो पार्टिकल्स हैं ये खुद के ही एंटी पार्टिकल्स होते हैं, जबकि डब्ल्यू माइनस का प्रतिकण डब्ल्यू प्लस होता है। ये सब मिलाकर लगभग 200 संयुक्त कणों प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसॉन आदि के लिए उत्तरदायी होते हैं, यानी ये जो 17 जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स है इन्हीं के कम ज्यादा मिलने जुलने से 200 प्रकार के हमारे पार्टिकल्स बनते हैं, ठीक है, यानी 17 एलिमेंट्री पार्टिकल्स बताए गए। ये देखिए हिग्स बोसॉन भी अपना प्रतिकण खुद ही है, यदि हम ग्रेविटॉन स्पिन दो और इस कारण जो बोसॉन है को उसको भी शामिल करें, जो गुरुत्वीय अन्योन्य क्रियाओं ग्रेविटेशनल इंटरेक्शंस का वाहक माना जाता है और अपना प्रतिकण आप ही है, ठीक है, यानी एंटी पार्टिकल से खुद का ही एंटी पार्टिकल्स है, परंतु जो स्टैंडर्ड मॉडल के मूल कणों की सूची में शामिल नहीं है, तो कुल मिला के मूल कण 31 हो जाते हैं, 6 क्वार्क, 6 लेप्टॉन, 5 गेज बोसॉन, 1 हिग्स बोसॉन, 6 प्रति क्वार्क यानी जो एंटी क्वार्क्स है, 6 प्रति लेप्टॉन यानी जो 6 एंटी लेप्टॉन्स है और 1 ग्रेविटॉन यानी 31, यानी जो टोटल जो मूल कण है अगर हम सबको मिला ले तो 31 हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल्स आते हैं, ठीक है। देखिए 2013 में फ्रैंकोई एलंगर्ट और पीटर डब्ल्यू हिग्स यानी पीटर हिग्स को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार उस सिद्धांत के लिए दिया गया था जो यह व्याख्या करता है कि इन कणों को द्रव्यमान यानी मास कैसे प्राप्त होता है, यानी जो ये जो कण है जितने जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स है इसको मास कहां से मिलता है। ये देखिए यह सिद्धांत हिग्स ने स्वतंत्र रूप से में प्रस्तुत कर दिया था। ध्यान रहे यदि हिग्स बोसॉन न हो तो सभी कणों का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा और हमारे शरीर सहित ब्रह्मांड के सभी कण प्रकाश के वेग से असीम दिक्काल यानी टाइम स्पेस में गति करेंगे। यानी जो हिग्स बोसॉन है वो एक ऐसा फंडामेंटल पार्टिकल है जो बाकी सारे जो पार्टिकल्स है उसको एक वेट प्रोवाइड करता है, सही है। ये देखिए गुरुत्व आकर्षण बल और विद्युत चुंबकत्व इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अतिरिक्त छीण और प्रबल फोर्स भी ब्रह्मांड में कार्यरत है, यानी वो जो वीक फोर्सेस होती है जो स्ट्रांग फोर्सेस होती है। विद्युत चुंबक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट धातु के तारों में धारा, बिजली घरों में बिजली, रेडियो, टेलीविजन आदि के लिए उत्तरदायी है और इसमें परमाणु एवं अणुओं में रासायनिक बंध तथा रासायनिक अभिक्रिया भी शामिल है। यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है उसमें हम देखते हैं कि अगर कोई कॉइल है, अगर हम उस पे एक कॉइल है, ये बड़ा ही गजब एक एक्सपेरिमेंट था जो हमने क्लास 11th में किया था, कुछ नहीं था, एक कॉइल थी लोहे की, एक स्टील की कॉइल थी, उस पर एक एमीटर लगा हुआ था, एमीटर था शायद या वोल्ट मीटर था, उस पर जब हम एक मैग्नेट मूव करते हैं तो उस एमीटर या वोल्ट मीटर में हरकत होती है, जबकि वो किसी भी करंट या किसी भी ऐसे इलेक्ट्रिकल चीज से वो कनेक्टेड नहीं है। इससे हमको ये पता चलता है कि जब भी एक कॉइल है उसमें अगर हम मैग्नेट को मूव करते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है अगर उस कॉइल से अगर वो इंट्रैक्ट करती है, उसमें मूवमेंट होती है, तो वहां पर एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसको मैग्नेटिक इसको इंडक्शन भी कहते हैं, इंडक्शन जो प्रॉपर्टी होती है जो हम आज की डेट में इंडक्शन कुकर वगैरह यूज करते हैं बिल्कुल इसी पे चलता है। ये देखिए
प्रबल नाभिकीय बल परमाणु नाभिक के कणों को बांध कर रखते हैं और उन्हें स्थायित्व प्रदान करते हैं। ये काम वे केवल क्वार्कों के माध्यम से करते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से हमको ये पता चलता है कि जो 31 जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स है उससे ये यूनिवर्स बना है, और ये जो यूनिवर्स है गतिशील है, और ये जो पार्टिकल्स है यही फंडामेंटल पार्टिकल्स है जो हमारे यूनिवर्स को शेप देते हैं आज की डेट में, और ये हमेशा से ये होता आया है। अब इसमें ये सवाल उठता है कि अगर जो गॉड है, अगर उसने ये पार्टिकल बनाया है, तो इतने बड़े गॉड को किसने बनाया है ना। मैंने तो आपको साइंस से बता दिया कि ये जो पार्टिकल्स है फंडामेंटल पार्टिकल्स है। और अगर आप थोड़ा सा अगर आप इसको आप देखें, जो मैं अगर आप यूनिवर्स को अगर आप थोड़ा सा स्टडी करें जितना मैंने पढ़ा है, तो जो स्टार्स होते हैं ना, तो स्टार में जो हाइड्रोजन जो गैस होती है, जैसे हमारा जो सन है तो उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, जो हाइड्रोजन गैस है वो हीलियम बन रही है, ठीक है। तो कुछ ऐसे हो चुका है वो हीलियम में ही फ्यूजन हो रहा है, तो वो जो मेटल होता है ना, वो हीलियम से ऑक्सीजन फिर कार्बन ऐसे होते होते वो आयरन तक जाता है। मतलब जो हमको जो मेटल्स मिलते हैं वो भी एक स्टार का ही पार्ट है। ऐसा नहीं है कि ये जो मेटल्स है ये कहीं और से आ गए हैं। जो स्टार्स जो होते हैं अलग अलग साइज के स्टार्स हैं, तो जो जिस साइज का स्टार होता है जब उसकी लाइफ खत्म होने पे आती है तो वो बहुत सारे पार्टिकल्स एमिट करता है, ठीक है। तो वो जो पार्टिकल्स एमिट होते हैं उसमें हमको जो मेटल्स होते हैं या जो हमको जो हैवियर एलिमेंट्स मिलते हैं वो हमको वहां से मिलते हैं। ये बिल्कुल बेसिक फिजिक्स और बेसिक केमिस्ट्री है, अगर आप थोड़ा इसको ठीक से पढ़े, और आई थिंक आप पीएससी के स्टूडेंट है तो शायद आपको ये सब चीजें आपने पढ़ी भी होंगी, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, 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 हाँ जी बताइए। हाँ जी, हाँ एक मिनट बोलूंगा बस इस पर जो आपने दिखाया। देखो ये मैंने साइंस में पढ़े हुए हैं, मतलब 11th 12th में पढ़े हैं और आगे भी पढ़े हुए हैं ये चीजें सब। तो बस मुझे सिर्फ जो 3 क्वेश्चन है मेरे जो अनआंसर्ड साइंस की वजह से हुए हैं, जो मतलब मेरे दिमाग में भी था ये क्वेश्चन जो आते थे पहले, 3 क्वेश्चन है जो मुझे अभी तक साइंस से भी और किसी एथिस्ट से भी जितनों से मैंने बात की, जैसे आपसे हो रही है कईयों से की मैंने ऐसे बात, मुझे 3 क्वेश्चन के जवाब नहीं मिल पाए। पहला तो ये कि जो भी आपने पार्टिकल के नाम लिए सब कुछ जो भी है स्पेस टाइम सब कुछ, पहला क्वेश्चन तो ये है कि जो ये स्पेस टाइम है अगर ये नथिंग था, कुछ था ही नहीं, तो ये इसको हमेशा नथिंग ही रहना चाहिए, हमेशा ये ऐसे ही रहता कि कुछ नहीं था। और सेकंड क्वेश्चन आता है कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, इसका मतलब है कि यूनिवर्स की एक पॉइंट था जहां से वो शुरुआत हुई और एक्सपेंड करता जा रहा है। मुझे ये क्वेश्चन का जवाब नहीं मिलता कि उस यूनिवर्स की कोई बाउंड्री है या नहीं, क्योंकि अगर उसकी बाउंड्री नहीं है तो एक्सपेंड करता जाएगा इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट भी साइंस की हम दिमाग में ग्रास्प नहीं कर सकते, कि साइंटिस्ट भी बोलते हैं कि इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट मैथमेटिकल में तो अच्छा लगता है पर इसे ग्रास्प नहीं किया जाता कि स्पेस कहाँ तक एक्सपेंड करती जाएगी, कहाँ तक वो फैलता जाएगा। और तीसरी लाइफ वाला तो अलग क्वेश्चन है, मुझे इसका 3 का जवाब कोई दे नहीं पा रहा सैटिस्फैक्टरी। हाँ सनातनी जी देखिए, अगर आपके पास किसी सवाल का जवाब नहीं है, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप चमत्कारों पर भरोसा करने लगे, है ना। अगर देखिए साइंस के लिए भी ये बड़ा आसान है ये बताना कि भाई गॉड ने बनाया है, पर अगर कोई चीज को नहीं पता है तो वो इसमें हिम्मत भी होनी चाहिए कि भैया हमको नहीं पता, हम इस पे आगे खोज कर रहे हैं। इसी खोज के लिए तो अभी हमने जेम्स वेब टेलीस्कोप जो बड़ी से टेलीस्कोप बना के हमने भेजा है आगे देखने के लिए, वहां तो कोई गॉड नजर नहीं आया। इसमें एक प्रॉब्लम है सिर्फ, क्योंकि अगर आप ये बोलो ना कि आज कैंसर का इलाज नहीं है कल को आ जाएगा, तो ऐसे मतलब हर किसी चीज में, तो मैं मान सकता हूँ ठीक है क्योंकि ये क्रिएशन के अंदर, पर मैं बात करूँ क्रिएशन से पहले की, जो कुछ था ही नहीं वो खुद से, ये तो वही बात होगी जादू से आ गया सब कुछ। और तीसरा की यूनिवर्स की बाउंड्री है या नहीं, अगर है तो एंड है मतलब उसके बियॉन्ड क्या है, और नहीं है तो कहां तक, इसका तो मुझे साइंस भी मुझे लगता है कि जवाब नहीं। सनातनी जी आप खिचड़ी बना रहे हैं ना बाबा। देखिए आप साइंस का क्वेश्चन आप धार्मिक ग्रंथों में खोज रहे हैं, जो साइंस के जो सवाल हैं उसको अगर आप साइंस में ही खोजे धार्मिक ग्रंथों में ना खोजे तो आपकी कई सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। धार्मिक ग्रंथ के लिए बड़ा आसान है ये कह देना किसी भी प्रॉब्लम को कि भगवान ने किया है या भगवान ने बनाया है, क्योंकि भगवान से कोई सवाल तो करेगा नहीं और धर्म ग्रंथों में कोई सवाल उठाएगा नहीं। अगर मैं एक मिनट के लिए धार्मिक को भी साइड कर दूं तो फिर मैं अगर लॉजिक के हिसाब से भी देखूं तो भी मुझे ये तो मानना पड़ेगा ना कि अगर कुछ था ही नहीं तो उससे पहले कोई ऐसी चीज तो होनी चाहिए ना जिसने उस चीज को सबको शुरुआत की, अगर है ही नहीं नॉन लिविंग चीज है तो कुछ बनेगा ही नहीं ना कभी भी, यही तो चीज है ना प्रॉब्लम सबसे बड़ी मेरे भाई। तो अगर वो कोई एंटिटी है तो सवाल तो वही उठते ना, एंटिटी को किसने बनाया। हाँ वो एंटिटी फिर ऐसे होता है कि बिग बैंग, देख मेरी बात अब समझिए, कोई चीज अगर हुई है कॉज एंड इफेक्ट से हुआ है ठीक है, तो ये पार्टिकल्स का ऐसा नेचर होता है कि ऐसा हुआ है ठीक है। जैसे आप पार्टिकल भी नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है ना
अब तो कुछ भी नहीं है, स्पेस टाइम इसका भी जो नहीं है। आंसर है ना, अब अमित सर ने स्पेस बड़ा अच्छे से दिया था। अमित सर अगर लाइव अगर आते हैं तो आप आ जाइएगा, वो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। और हाँ, जो हमारे हाइपर एक्टिव जी है उन्होंने भी बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था इस चीज़ को, तो कि वो बिग बैंग का टाइम में क्या हुआ था, उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बताया था। तो अभी अच्छा चीज समझिए कि गॉड को आप साइंस के क्वेश्चन को ना आप वैदिक ग्रंथों में या धार्मिक ग्रंथों में ना देखिए। अभी का जो साइंस है बहुत ज्यादा इवॉल्व हो रहा है, नए नए आप आर्टिकल्स आप देखिए, आप डिस्कवरी जो 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 स्पेस में जो डिस्कवरीज हो रही है उस पर आप ध्यान दें। एक वेरासिटम एक चैनल है, आई थिंक साइंस का ही चैनल है वो, वेरासिटियम ऐसा करके है, मैं नाम हाँ, मैंने प्रोनाउंसिएशन देखी या उसकी कुछ समथिंग वीडियोस। बोल रहा है, वो हाँ कितने हाँ अच्छी देखी चीजें वो बताता है वीडियो। साइंस से रिलेटेड, इतनी बढ़िया चीजें बताता है वो, आप उसको फॉलो करें। आप ये क्यों ये वैदिक ग्रंथों धर्म ग्रंथों कूड़ा कचरा किताबों में आप पढ़े हुए हैं, आप पीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं, आप आगे जाके देश का भविष्य बनाएंगे, आप इसी कचरे में पड़े रहेंगे तो कैसे देश चलेगा बताइए आगे। 100 साल पहले तो देश देखो यही कर आप रहा था ना, वैदिक धर्म ही था 100 साल पहले। आप कैथरीन मेयो की किताब उठा के पढ़ लीजिए, मदर इंडिया क्या लिखा है उसमें। क्या चीज़? कैथरीन मेयो की किताब है, मदर इंडिया नाम है उसका, आप मदर इंडिया किताब में पढ़ लीजिए। इवन क्या जो चीज? मदर इंडिया किताब है उसमें उस समकालीन भारत में भारतवासियों की क्या स्थिति थी इस धर्म के कारण से, आप उस पर पढ़ लीजिए। आप मदर इंडिया को कोई इस किताब का खंडन नहीं कर पाया है आज तक। उसके पता बाद क्या, ये मैंने आपकी आपको अपनी जो अपने अपना जो क्वेश्चन था वो तो मैंने आपको बता दिया, नहीं क्योंकि क्वेश्चन अगर मैं उसे सनातन जी, उसमें आपके गोड जो नहीं रखूंगा ना क्वेश्चंस तो फिर है क्या वो आएगा, मुझे ये आप नहीं समझ आया ना। नहीं नहीं सनातन जी, आपके जो क्वेश्चंस है वो एक साइंस के क्वेश्चंस है, वो एक लॉजिकल क्वेश्चंस है, आप उसको साइंस के फील्ड में खोजिए ना, क्यों आप इसको फिलोसफीज में खोज रहे हैं। मिल नहीं रहे ना, यही तो मिलेंगे प्रॉब्लम। ना, नहीं मिल रहा है तो उस पर आप डिस्कवरीज होने दीजिए, वेट करिए। फिलोसफीज में तो बातें घुमा फिरा के की जाती है, आप मुझे वेदों से अब तक मंत्र नहीं दिखा पाए कि जहां पर गॉड जो है क्रिएशन कर रहा हो इस अर्थ की, इस यूनिवर्स की, आप उस वेदों में भी तो खोज लीजिए ना एक नहीं बार कि गॉड कैसे, वेदों में, या गॉड ने मतलब कैसे देखो किया है। सनातनी मैंने तो आपको जी, जन्म आपका दिया जो कि सोर्स है, सनातनी जी जो गॉड का सोर्स क्या है, ग्रंथ है, ग्रंथ के हाँ अलावा ग्रंथ तो कोई है। सोर्स नहीं है, ग्रंथ है या कोई धार्मिक किताबें हैं, तब उस किताबों से पढ़िए ना कि वहां पर यूनिवर्स क्रिएशन कैसे हो रही है, एक बार उसको तो पढ़ लो। उसमें तो अब जैसे मैं उपनिषद उसमें तो पढ़ूंगा तो गपोड़ उसमें ये बातें लिखी दिखाएंगे हुई है देखो, सनातनी जी, है ना, उसमें तो गपोड़ वही बातें तो बात लिखी है ना हुई कि है, आप आपको ये मुझे पता मानोगे नहीं, है। मैं तो कुछ भी दिखा दूँ उसमें से, तो हाँ नहीं, वो वो तो तो गपोड़ गपोड़ नहीं है बातें ना। लिखी हुई ना, तो जिस बात जहां पर गपोड़ बातें लिखी हुई है वहां से लॉजिक खोजने का क्या सेंस बनता है। तभी तो मैं उसको साइड कर रहा हूँ ना, तभी मैं सिर्फ प्योर लॉजिक पे बात कर रहा हूँ, उसको साइड करके तो बिल्कुल। साहब अगर आपने वेदों को साइड कर दिया, आपने धार्मिक किताबों को साइड कर दिया, तो आप उसके गॉड को क्यों पकड़ के बैठे, उसको भी साइड ही कर ही दो ना। अगर कोई गॉड है भी, चलिए मैं आपके आर्ग्यूमेंट को मान भी लेता हूँ एक बार सनातनी जी, अगर कोई ऐसे कोई अगर ऐसी एंटिटी है भी जिसने बिग बैंग किया और वो आगे हमको प्रूफ भी हो जाता है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो आपका वैदिक ईश्वर ही है। अच्छा हाँ ठीक है, तो इस बात की तो ये है कि जो हमारे ऋषियों ने जो इसमें दो कंसेप्ट दिए हैं, पराविद्या और अपराविद्या, और पराविद्या का उन्होंने प्रोसेस दिया कि जिसमें मेडिटेशन की हाईएस्ट लेवल में जाके वो चीज एक्सपीरियंस होती है, और गुरु ग्रंथ साहिब में भी गुरु नानक देव ने इन सब मेरे ने किया। भाई मेडिटेशन मेडिटेशन जो है आज की साइंस से ना बहुत पीछे है, मेडिटेशन से कुछ ना मिलना है ना, नहीं, जितना पढ़ाई पराविद्या बोला ना मैंने करेंगे आपको, वो तो इससे हाईएस्ट है। कोई हाईएस्ट नहीं होता है भाई, किताबें पढ़ोगे अच्छे से अरे सनातनी ध्यान भाई, से और अगर मैं ज्यादा कहूँ आपको ज्ञान कि मैंने मिलेगा। एक्सपीरियंस किया, फिर मेडिटेशन अगर आप बोले सनातनी जी, मैं आप कहूँ पीएससी की मैंने तैयारी एक्सपीरियंस कर रहे किया। हैं, आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप यार मेडिटेशन करते बैठ रहे हैं तो पक्का कोर्स हो जाएगा, ऐसे कुछ आईएएस भी बनूंगा बोलोगे अगर यार मैं इस। कहूँ कि मैंने मतलब एक्सपीरियंस किया, फिर मानोगे आप? सनातनी सुनो यार, मतलब ऐसे यार जय श्री राम के नारे लगा के आप आईएएस बन जाओगे, बताओ। मतलब आपको नहीं यार, जैसे चलो ये वाला छोड़ो, आपको अपने धर्म ग्रंथों में लॉजिक लगा रहे थे आप न्यूटन जी से पहले, आप ये कह रहे थे कि भाई आप लॉजिक दोगे, तो दो, चलो लॉजिक अपने धार्मिक ग्रंथों से भाई आप ईश्वर को साबित करने वाले थे, लॉजिक दे मैंने रहे थे आपको आपको, से तीन आप लॉजिकल पूरा क्वेश्चन न्योपैथ दिए, लॉजिक, नहीं, दो ना मैंने आपको लॉजिक, तीन दो लॉजिकल अब क्वेश्चन दिए। क्वेश्चन नहीं चाहिए भाई, आपको जवाब देना, ईश्वर को साबित करना भाई, मेरे से क्वेश्चन नहीं करना, भाई यही तो आपको सब यहाँ पर ईश्वर देखो, साबित करना है। तो भाई मैं फिर अब उपनिषद से दिखाऊंगा कि उसमें ये लिखा कि जब कुछ नहीं था, फिर आप कहोगे वो बोर्ड है, तो दिखा मैंने दो देखी दिखा तो दो, बिल्कुल उपनिषद लॉजिकल दिखा दो, क्वेश्चन पूछे अभी ना, अभी हम भी उपनिषद दिखाओ तो खोल ना देते हैं यहाँ भाई, अब पर। दिखाओ तो, हम कब से वेट कर रहे हैं भाई, दिखाओ ना यार। मॉरल टीचर सर भी आ गए, जय भीम मॉरल टीचर सर, कैसे हैं आप? जय भीम, जय भीम आजाद जी, न्यूटन जी जय भीम, सभी जय भीम दर्शकों को सर, भी जय जय भीम भीम। सर, सनातनी भाई आपको ईश्वर दिखाएंगे, मॉरल टीचर सर तैयार हो जाइए।
देखने के लिए। जी जी बिल्कुल, मांगना हो आपने जितने पाप किए हैं, कटने वाले तो है नहीं आपको, तो पकोड़े तलेगा मतलब कढ़ाई में जाके डालेगा, पकोड़े बना के खाएगा वो ईश्वर। चलिए मैं आपको एक ज्ञान दे देता हूँ, अभी उन्होंने उपनिषद की बातें कर ही दी है, तो चलिए मैं इनको कुछ एक दो ब्रह्म ज्ञान दे देता हूँ। हाँ ये शॉर्ट में दूंगा मैं, फिर आपको अगले कॉलर्स की तरफ भी चलना है। ये देखिए, चलो भाई ये धन धन प्राप्ति की उपाय है, देखिए आप। हाँ अमित जी, अमित सर आपको जय भीम सर, मैं दो मिनट इनको बड़ा बता देता हूँ। ये देखिए आपके लिए धन प्राप्ति के उपाय हैं, ये देखिए, ये देखिए। हाँ जी जय भीम, जितने आप पैनल पे बैठे हैं, जितने देखने वाले। हाँ सर, न्यूटन सर, कंटिन्यू कीजिए। ये देखिए, ये कौशिता की उपनिषद 2/3, ठीक है, ये कौशिता की उपनिषद है। मैं ये देखिए, कौशिता की ब्राह्मण उपनिषद, ठीक है, इसमें क्या लिखा है 2/3 में, ये देखिए, कौशितकी उपनिषद किसी से धन प्राप्त करने के लिए हथियाने का तरीका बताते हुए लिखता है कि उत्तम धन पाने की इच्छा करने वाला मनुष्य पूर्णिमा या अमावस्या को अथवा शुक्ल पक्ष के किसी भी शुभ नक्षत्र में अग्नि सिद्ध करे, यानी वो हवन होता है ना, हवन को जलाए, जो आग जलाते हैं, अग्नि के चारों ओर की भूमि को झाड़ झाड़ कर उसके चारों ओर दर्भ नाम की घास बिछाए, जल के छींटे लगाए और दाहिना घुटना झुकाकर स्त्रुवा से या चम्मच से या कांसे के किसी पात्र से आगे लिखे मंत्र को बोलकर, है ना, ये मंत्र ये है अथम धूमगधम, ये आप देख पा रहे होंगे, ये बहुत लंबा सा मंत्र है, ठीक है, आहुतियां डाले, आहुतियां दे चुकने के बाद नाक से उस धुएं को सूंघे और सारे शरीर पर घी मल ले, इसके बाद चुपचाप उस व्यक्ति के पास जाए जिससे धन लेना हो, उससे कहे कि मुझे यह दे दो, यानी ये घी भी मलने के बाद आपको उस व्यक्ति के पास जाना है जैसे आप अंबानी के पास गए और उसको बोलना है कि भाई तू अपना सारा पैसा मेरे को दे दे, ठीक है, उससे कहे कि मुझे यह दे दो, या उसके पास किसी दूत को भेजकर अपनी मांग रखे, वह सुनते ही वशीभूत हुआ मांगी हुई चीज अपने आप खुद ब खुद दे देगा। ये आया है कौशिता की उपनिषद 2/3। लो भैया ये आपके उपनिषद का ज्ञान है, अब मुझे मिल गया, मैं बोलता हूँ। हाँ बोलो, ये है, ये श्वेत उपनिषद है, इसका है रेफरेंस है। ये तो ज्ञान था भाई, ईश्वर साबित करो। हाँ वही करो, सनातनी भाई, ये तो ज्ञान था, ईश्वर साबित करो। चलो अध्याय 5 लॉजिक 13 अध्याय 5 का 13 क्या कहता है, चलो बताओ। इस गहन संसार के भीतर उस अनादि अनंत विश्व के रचयिता अनेक रूप वाले विश्व को एकमात्र व्याप्त करने वाले देव को जानकर जीव समस्त पाप से मुक्त हो जाते हैं। उस अनादि ब्रह्म को ऋषियों ने पराविद्या द्वारा जाना। श्वेत ऋषि ने उस ब्रह्म को प्रत्यक्ष देखा जो विश्व का रचयिता और प्रलय करने वाला है। ये मैंने आपको दिया कि आपने पूछा ना गॉड ने क्रिएट किया और क्या प्रलय किया, ये तो मैंने आपको उपनिषद से बताया। अच्छा उपनिषद से बताया, तो ये बताओ बोलो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है, मतलब नहीं आप ये ठीक है, प्रॉब्लम ही तो है ना, इसे प्रूफ क्या हुआ, नहीं आपने कह दिया, ये प्रूफ क्या हुआ, ये तो कह दिया आपने, अब ये आपको मैंने आपको बताया ना कि प्रूफ कैसे होगा कि अगर कोई ना कोई, मैं यदि आपसे ये पूछूं, एक मिनट सुन तो लीजिए मेरे भाई, अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि उपनिषद बनाए किसने, उपनिषद कब बने, कब लिखे गए, तो उसका आप मुझे जवाब नहीं दे पाओगे। चलो बताओ ये उपनिषद कब बनाए, दे पाऊंगा, मतलब कौन सी सदी के बताओ। चलो उपनिषद में ही आता है कि जब नारद ने, उपनिषद में ही आता है कि जब ऋषियों से पूछा गया था कि उपनिषद कैसे आए, तो उन्होंने कहा था कि ये ब्रह्म के द्वारा वेद के साथ साथ उपनिषद रिवील हुए हैं, ये इसी की एक्सप्लेनेशन है और इसी को वेदा का सीक्रेट पार्ट बोला गया। कब हुए तो भाई, तो भाई यार आपको तो गपोड़ी लगेंगे सारी, कुछ भी वोट कर दूं मैं। अरे सनातनी जी, ये स्वताशी उपनिषद मूल उपनिषदों में आता है 11 में कि नहीं, ये तो बता दे पहले। हाँ आता है 11 में। नहीं आता है? 14 नंबर का उपनिषद है ये, 11 में आता है। अरे 14 नंबर का उपनिषद है यार, पढ़ तो ले तो पूरे 108 पूरे पढ़ो, मूल 11 में नहीं आता, तुम्हारा कोटेशन ही गलत हो जाता है। खुद ने पिछली स्ट्रीम पे बोला था मूल 11 उपनिषद है, ये 14 नंबर का उपनिषद है। अरे नहीं है ना, 14 नंबर का उपनिषद है। तो 11 कौन से हैं फिर बोलो, मैंने तो 11 में पढ़ा हुआ। तुम जानो, तुम बता रहे हो यार, मुझे तो नहीं दिखता, मुझे तो यह स्वताशी उपनिषद 14 नंबर दिखा रहा है, 11 नंबर तुम बताओ। अरे भाई मैंने जो 11 मैंने कोड आपने किया है तो आप बताएंगे, पूरे बताएं 11 है तो 11 कोड, मैंने तो बोल दिया 11 में नहीं है ना, तो मैंने भी बोल दिया नहीं है भाई, जब सभी 11 मानते हैं मेजर में
तो आप अरे बोल रहे नहीं हो आप अलग मानते बोल इसे, रहे हो ना। 14 नंबर का उपनिषद होता है, 11 में नहीं मानते इसे। टाइम भी भाई तो मैंने जो दिखाओ ना पढ़े हैं भाई, 11 पढ़े हैं टाइम ढूंढ कब के। है, टाइम तो, अरे टाइम भैया भी मुंह चलाने पेंसिल से नहीं उसका होगा, टाइम थोड़ा सा टाइम। कोटेशन दिखाने पड़ेंगे। तो रुको फिर कोटेशन देखता हूँ, अगर हुई तो अरे मेरे पास तो है ना, तुम्हें जरूरत क्या है, खोल दो अपना मैं भी देखता इंटरनेट, हूँ। वहीं पे दिख जाएगा तुम्हें तो, इतनी दूर तक हाँ जाने की रुको, जरूरत ही नहीं है। टाइप करो विकी, तुम्हारा वो विकिपीडिया पसंदीदा उसी पे टाइप कर लो, वही मिल जाएगा, दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। लिख दो स्वदेशी उपनिषद, पता चल जाएगा 14 है या 11 है। बिल्कुल। हाँ जल्दी भाई, फिर हमारा टाइम भी बताना है आपको भी। चलिए फिर भाई मिल गया इन क्या? आपको, अगर आप बातें करनी है अमित जी तो आप बात कर लीजिए। हाँ मैं सुन रहा हूं ना, क्या बोलना चाह रहे हैं समझने की कोशिश कर रहा हूं मैं इनका। क्या है भाई, क्या क्रिएटर गॉड और बिग बैंग पता नहीं क्या क्या कर रहे थे बैठ के। वही मेरे 3 क्वेश्चन थे इनको जो बताए मैंने। लिख के लाए हो? हाँ बिल्कुल लिख के गए, याद है लेकिन मुझे। यार ये जवाब नहीं देते, अपना कोई जवाब नहीं देते यार। 20 लाख यार भी अपन ही भाई दें वो और तो जवाब भी अपन ही दें, क्वेश्चन ये ही गजब अच्छा है। मेरे को। चलो यार अरे ये तो 20 लाख भी देंगे इनको, जवाब भी दे दो भाई, 20 लाख भी दे देंगे यार, रहम खाना पड़ेगा क्योंकि इनसे नहीं हो भाई पा रहा अपना ईश्वर साबित। 20 लाख नहीं था, चाहिए मुझे जवाब दे दो बस, जो मैं पूछता था। चलो जवाब दो। आप मेरे को ये बताओ कि मैं एक इमेज निकाल रहा था, ये मैं अभी आपके सामने में रखता हूं ना, इस इमेज को शेयर कीजिए आजाद। जो मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न फिजिक्स है, एस्ट्रोलॉजिकल फिजिक्स, वो बिग बैंग की थ्योरी को कुछ इस तरह से बताती है, ठीक है, कि कहती है कि भाई 13.78 बिलियन ईयर साल पहले इसके हमारे पास पर्याप्त सबूत भी हैं। दो बड़े सबूत हैं, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, CMBR जिसको हम कहते हैं, ठीक है, ठीक और दूसरा है एक्सपांडिंग गैलेक्सी। जब हम टेलीस्कोप लगा के गैलेक्सीज को देखते हैं ना, तो हमें वो लाल दिखाई देती हैं, उसको कहते हैं रेड शिफ्ट। जो गैलेक्सी जितनी दूर है वो लाल दिखाई दे रही है, इसका मतलब है कि यूनिवर्स का एक एक्सपांशन हो रहा है, मतलब यूनिवर्स फैल रहा है। जो चीज फैल रही है इसका सीधा मतलब है कि किसी वक्त पे वो सिकुड़ी हुई होगी। तो ये दो हमारे बिल्कुल पास आज एक ऐसे सबूत हैं जिनसे हमको पता चलता है कि 1378 करोड़ साल पहले यूनिवर्स एक बेहद ही छोटे बिंदु में, जिसको हम सिंगुलैरिटी कह देते हैं, ठीक है, वहां पे स्पेस टाइम सब कुछ था, और फिर वहां से एक इन्फ्लेशन, एक फैलाव जिसको कॉस्मिक इन्फ्लेशन हम कहते हैं, ये शुरू हुआ, ठीक है। ये मॉडर्न एस्ट्रोलॉजिकल फिजिक्स जो है ये हमको आज बताती है, एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है। ठीक है। मेरे को भाई आप ये एक भी अपनी किसी किताब से निकाल के ये समझा दो, दुनिया का कोई भी धर्म का किताब से निकाल के समझा दो कि इसमें ये जो मैंने आपको ये थ्योरी बता रहा हूं मैं, ये किसी दुनिया की एक सिंगल किताब में लिखी हुई हो, ये मेरे को आप निकाल के दिखा दो। इसको बिग भूल बैंग लिखी जाओ इस किसी बात को कि टाइम टाइम था कि नहीं था कि क्या था, आप सारी चीजों को अभी दिमाग से हटा दो। आप मेरे को सिर्फ ये जो ठीक मॉडल अभी मैंने आपके सामने में रखा है, ये दुनिया की किसी भी धार्मिक किताब से निकाल के दिखा दो मेरे को आप। हाँ तो भाई ठीक है, जो जो धार्मिक किताब है उसका नाम ही धार्मिक है और वो स्पिरिचुअलिटी की किताब है, तो साइंस की तो किताब है नहीं वो, क्योंकि हर अब ये चीज बात एक्सप्लेन खत्म की हो गई, गई खत्म हो गई बात आपकी, है। नहीं अरे ये तो खत्म मैं हो गई ना, सबको ही पता है ना बस भाई। यहाँ पे आप, यहाँ पे लीद निकल गई आपकी, है ना। अगर धर्म की मैं ये किताब बोल है, धर्म, एक मिनट रुको, धर्म की किताब जो है वो ईश्वर को परिभाषित कर रही, ईश्वर आपके हिसाब से कौन है जिसने पूरे ब्रह्मांड को रचा है? आपकी एक बिल्कुल भी धार्मिक किताब ये नहीं बता पा रही है कि रचा कैसे है। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, वो प्रोसेस की तो किताब ही नहीं है ना। अरे तो क्यों, अरे होनी तो चाहिए ना, मगर भाई वो तो ईश्वर के बारे में बात कर रही है, जो आपके हिसाब से, आप ये कह रहे हो जिसने सारी चीजें बनाई उसके बारे में बात हो रही है, तो मगर आपकी धार्मिक किताब में क्या बात हो रही है कि भगवान शंकर और पार्वती 100 साल तक सेक्स करते रहे, ये बात हो रही है। ये बात आप, भाई वो आपकी तो धार्मिक आप किताब जा में, रहे हो आपकी पुराणों पे, वाल्मीकि रामायण में लिखी, सुनो, आपकी वाल्मीकि रामायण में ये लिखी हुई है, ठीक है,
ये नहीं बता पा रहे हो कि ये हुआ कैसे, हुआ क्या है, यही बता दो। चलो तो हमारे तो जितने, जैसे अगर मैं उपनिषद को कोट करूं तो उसमें तो ये लिखा ना कि जिस टाइम सत असत कुछ नहीं था, उस टाइम कोई भी चीज नहीं थी मटेरियल चीज, उस टाइम सिर्फ ब्रह्म था। और उसके अच्छा। बाद ये सब जितनी भी चीजें हिरण्य गर्भ जैसे बोला गया एक टर्म आई है, एक मिनट, ये जो एस्ट्रोफिजिक्स की पूरी, अभी मैंने आपको बिग बैंग का एक जो चित्र यहाँ पे दिखा रहा हूँ वो एक क्रिएशन की स्टोरी है जो एस्ट्रोफिजिक्स आपको बता रही है, ठीक है, सबूतों के आधार पे। आप मेरे से पूछो ही मत। देखो सबसे पहले ये बात है, आपका तो बनता ही नहीं है मेरे से पूछना कि बिग बैंग के पहले क्या था। क्यों? क्योंकि आपकी धार्मिक किताब तो बिग बैंग भी नहीं बता पा रही है। ये मेरी साइंस की हवाले की बातें हैं, ये एस्ट्रोफिजिसिस्ट जो हैं उनके हवाले की बातें कि बिग बैंग के पहले क्या था, टाइम कैसे चालू हुआ, आपका कोई किताब नहीं बता पा रहा है ना। आपको शर्म नहीं आती? तो मैं बता, नहीं मैं मेरा पूछने का मतलब इसलिए हक बनता है आपसे क्योंकि मैं तो ये बोलता हूँ, जवाब नहीं आती, नहीं आती, जवाब तो दे रहा हूँ, सुन तो लो, शर्म आती है कि नहीं पहले बताओ। वैसे वैसे इन जनरल आपको, मुझे शर्म क्यों आएगी, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, शर्म क्या है क्वेश्चन, अरे इन जनरल पूछ रहा हूँ, इन जनरल कभी कभी शर्म आती है, क्यों आएगी शर्म भाई, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो मुझे शर्म क्यों आएगी? अरे शर्मिंदा होने वाली बात पे शर्म आती है क्या? इन जनरल पूछ रहा हूँ भाई बस। शर्मिंदा होने वाले पे तो आएगी। हाँ अच्छा, भगवान शंकर और पार्वती 100 साल तक सेक्स किए, इस पे शर्म आता है भाई? वो आप पुराण की बात कर रहे हो, फिर उस पे जा रहे हो जिसमें कितनी, वाल्मीकि रामायण में लिखा है, पुराण की बात नहीं किया, वाल्मीकि रामायण में लिखा है, वाल्मीकि रामायण के जो है वो लास्ट वाला कांड है, उसको भी तो बोलते हैं, तो है बहुत चीजें, लास्ट वाला कांड नहीं है भाई, ये तो शुरू का ही, अरे भाई ये तो भाई आप तो मुझे क्वेश्चन लिखा हुआ देखो, बाल कांड में मैं सिर्फ आपसे जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे उसका जवाब कोई एथिस्ट या कोई देता क्यों नहीं, मुझे नहीं समझ आता, मतलब जो भी एथिस्ट मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ किसी से, वो जवाब देता क्यों नहीं है? क्वेश्चन का पूछा है, यही पूछा ना मैंने आपसे कि आपने कहा कि सिंह बिल्कुल स्पेस टाइम एक होता, मैं जब ये पूछता हूँ कि उसको किसने क्रिएट किया तो उसका जवाब क्यों नहीं देता कि वहां से शुरुआत कैसे हुई, उससे बियॉन्ड क्या था, और यूनिवर्स की बाउंड्री है या नहीं। आप एक काम करो, आप अपने सारी बातों को रख लो, फिर जब मैं बोलूंगा बीच में मत टोकना, रख लो आप जितना रखना है बात, ठीक है? तो हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन फिर वही आ जाता है कि स्पेस टाइम को क्रिएट किसने किया, क्यों? अगर वो फैल रहा है और सुखड़ा हुआ था एक साइड एक टाइम पे, तो इसका मतलब है कि वो एक पॉइंट पे तो था, वो उसको किसने उसको एग्जिस्टेंस में लाया उस चीज को, और यूनिवर्स की बाउंड्री है या नहीं, अगर बाउंड्री नहीं है तो कहां तक फैलता जाएगा और कब तक, ठीक है? हाँ ये हो गए दो, चलो बताओ। अब जब बोलूंगा ना बीच में नहीं बोलना, सबसे पहली बात तो ये है भाई, ये बात को कहना कि किसी चीज को क्रिएट किया गया है, ये ह्यूमन लैंग्वेज का इन्वेंशन है, ये मानव ने अपनी भाषा से इस शब्द का आविष्कार किया है कि किसी चीज को क्रिएट किया गया, उसका सृजन किया गया, ठीक है? पहली बात समझे। अब मानव की जो भाषा होती है ना, विटकेनस्टाइन नाम का एक बहुत बड़ा फिलोसोफर हुआ है 20वीं सदी में, उसने ना एक बड़ी गजब की किताब लिखी है, उसको उस किताब का नाम है फिलोसोफिकल इन्वेस्टिगेशंस। उस किताब में उसने लिखा कि मानव का जो ज्ञान होता है ना, ह्यूमन नॉलेज की लिमिट होती है उसकी लैंग्वेज, उसकी भाषा, मानव का जो ज्ञान है वो उसकी भाषा तक सीमित है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको ये नहीं पता है कि चीनी भाषा में सेब को क्या कहते हैं, आपका मन में जब भी विचार कभी उत्पन्न होते हैं तो वो चाइनीज भाषा में कभी नहीं होते, क्यों? क्योंकि आप चीनी भाषा को जानते नहीं हो। आजाद इनको थोड़ा म्यूट कर दो यार, इनकी तरफ से आवाज आ रही है। तो चीनी भाषा को आप जानते नहीं हो, इसीलिए आपके मन को ये नहीं पता है कि चीनी भाषा में अपने थॉट्स को जनरेट कैसे करना है, ये आपका माइंड इस बात को जानता नहीं है, ठीक है? तो आपकी लिमिट वहीं तक है नॉलेज की, जहां तक की आपकी लैंग्वेज है, ठीक? अब एक वर्ड है क्रिएशन, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हमको ये लगता, और ये वर्ड भी कब से आया है, ये वर्ड जो है ये ह्यूमन लैंग्वेज के एग्जिस्टेंस में तकरीबन 9000 साल पहले आया, जब इंसान ने घुमंतु होके शहर को बसाना चालू किया,
जो आज का सुमेरिया है, जो आज का इराक है, तो वहां पे सुमेरियन सभ्यता जो है जब ये बनने लगी, वहां वो क्या करते थे कि मिट्टी बड़ी बहुत ज्यादा वहां पे होती थी, जो गीली काली मिट्टी होती है, उनसे वो घड़े बनाना और उनसे वो टैबलेट्स बनाना उन्होंने शुरू किया। तो जब घड़े वगैरह बनने शुरू हुए ना, तो मानव के मन को ये लगा कि हम कुछ सृजन कर सकते हैं, कुछ क्रिएट करना इंसानों ने शुरू किया। उसके पहले तक सिर्फ जो स्टोन के टूल्स होते थे ना, पत्थर के औजार, वो ही बनते थे, और कभी अगर उसको कोई बात अगर लिखनी तो नहीं लिख पाते थे, तो वो जो गुफा है उसमें रॉक पेंटिंग्स बना दिया करते थे। यहां तक हुआ तो उनको लगा कि अगर हम घड़े बनाना और ये जो मिट्टी की जो चीजें हैं, जब ये हम बनाते हैं तो इसका कोई क्रिएटर है, इसका मतलब बनी हुई चीज को किसी ने बनाया है। ठीक है, ये एक बड़े ही साधारण मन की ना परिभाषा है। उसको लगता है कि अगर कोई चीज है, अगर ये कुर्सी मेरे सामने में पड़ी है, तो वो वहीं से ही उसके 9000 साल पुराना एक जो चली आ रही है भाषा में हमारे एक शब्द घुसा हुआ है क्रिएशन, उसको बिल्कुल वो वहीं से ही वो उसको रिलेट करता है। उसको लगता है ये कुर्सी है तो ये कुर्सी को बनाने वाला भी कोई होगा। ठीक है, ये अगर ये खिड़की है तो ये खिड़की को बनाने वाला भी कोई है, बिस्तर है इसको बिस्तर को बनाने वाला भी कोई है। लेकिन जब आप यूनिवर्स के स्केल में जाना चालू करते हो, ठीक है, तब आपको ये लगने लगता है कि दरअसल ये वर्ड ही क्रिएशन का गलत है। ये वर्ड मेरी, ये जो वर्ड है ये ह्यूमन लैंग्वेज ने क्रिएट किया है, इसको यूनिवर्स को कोई लेना देना नहीं है ना। कि आप ये कहो कि क्रिएशन क्यों हुआ, हाँ अगर मैं ये कहूं कि भाई बिग बैंग क्यों हुआ है, एस्ट्रोफिजिक्स को ये बात पता नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी भाषा की जो जकड़न है उससे मतलब उस साइड से आप आओ और वहां पे आप कहो कि चूंकि यूनिवर्स है इसलिए इसको कोई बनाने वाला भी है। ठीक है, तो ये एक बेहद ही साधारण मन की परिभाषा है। दूसरी बात ये है, आपके दुनिया के सारे धर्म आप उठा के देख लो, ठीक है, वो ये नहीं बता पाएंगे कि स्पेस टाइम क्या होता है। आपका उपनिषद को तो डाल दो कचरे के डब्बे में, उनको तो यही नहीं पता है कि स्पेस टाइम क्या है, स्पेस क्या है। ये आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बता रही है 1915 में आके, वो इसीलिए इतनी क्रांतिकारी थ्योरी है ना, क्योंकि वो आपको नेचर को कोई दूसरे ढंग से समझने में मदद कर रही है। अगर उपनिषद में या दुनिया की किसी और धार्मिक किताब में यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ, इसको क्रिएट करने वाला कौन है, ये अगर पता होता तो आइंस्टाइन को इतनी जरूरत ही नहीं पड़ती, हम उसका नाम ही नहीं ले रहे होते। तो भैया आपके कचरे की किताबों में दरअसल स्पेस टाइम है ही नहीं। तो जो चीज जहां पे विज्ञान अपने सवालों को तलाश रहा है, बेईमानी और शर्म की बात यह है कि ये टुन्नी लोग उसमें अपना क्रिएटर डाल रहे हैं। तो ये परेशानी आपकी है कि आप उसमें क्यों क्रिएटर डाल रहे हो, आप खुद से वापस से ऐसे क्यों नहीं मुड़ के पूछ रहे हो यार ये तो मेरी किताब में लिखा ही नहीं है किसी। हाँ, अब ये बिग बैंग थ्योरी जो है ये हमारे सामने में आ गई है। अब उसमें मैं एक काम करता हूं कि यहां पे एक जगह मेरे को खाली दिख रही है कि भाई ये क्रिएशन है, तो कोई इसका क्रिएटर होगा, तो इसमें ना मैं कई काम करता हूँ, भगवान शंकर को या ब्रह्मा को या हिरण्यकश्यप को, पता नहीं क्या बोला इसने अभी टुन्नी ने, उसको मैं घुसेड़ देता हूँ। हाँ, इससे ना मेरे मन को शांति मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं ना एक हिंदू घर में पैदा हुआ हूं यार, अगर ये हिंदू धर्म गलत है ना तो मेरा तो पूरा अस्तित्व गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं तो अपने देखा हूं अपने इर्द गिर्द, मेरे माँ बाप चाचा भतीजा जितने लोग हैं सब हिंदू धर्म मानते हैं, ये तो हर सोमवार को जो भगवान शिवलिंग है उसको घसते रहते हैं बैठ के। तो अगर मैं ये मान लिया कि ये भगवान शंकर को घसना, इसका शिवलिंग को घसना ही बेवकूफी है, तो यार मेरा तो पूरा जीवन ही ऐसे है। और ये चीज आपको स्वीकार करने में दिक्कत होती है। आपने बाइबल का नाम नहीं लिया, बुक ऑफ जिनेसिस ये कहती है कि जब कुछ नहीं था तो एक दिन ईश्वर ने कहा कि लेट देयर बी लाइट, तो फिर प्रकाश हो गया। अब ये बात क्रिश्चियन आके यहां पे थोपने की कोशिश करता है, बोलता है कि भाई ये जो बिग बैंग है ना, देखो ये लाइट हुई। अरे भाई, बिग बैंग होने के 300,000 साल के बाद लाइट आई है, उसके पहले यूनिवर्स ओपेक है, अंधेरा छाया हुआ है। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज्यादा है यूनिवर्स का कि जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन और जो के साथ में कंबाइन नहीं हो पा रहे हैं कि एटम बन सके। बड़ी सिंपल सी बात है ये, लेकिन ये बात ना कंफर्मेशन बायस में ठीक नहीं उतरती। मैंने अगर ये मान लिया कि मेरे माँ बाप ने जो जीवन भर में बचपन से देखता आया हूं कि जिस धर्म का पालन वो कर रहे हैं,
वो धर्म जो है वो विज्ञान की छोटी सी बात को नहीं समझा पा रहा है तो ये फूहड़ धर्म है। अगर मैंने ये मान लिया ना तो मेरे पूरे जो विश्वास है, मेरे जो अस्तित्व है, ये पूरी तरह से आप लोगों को लगता है ये गिर जाएगा। तो ये सिर्फ आप ही का नहीं है भाई, ये उपनिषद आप ही आके आप नहीं बताते हो। अभी इस कोई मुस्लिम आएगा वो अपने कुरान में से बता देगा कि वो बोल देगा वो आयत नहीं है कि जिसमें ऐसा लिखा है, देखो वो तो लिखा है कि ये पहले सब एक ही थे फिर जमीन आसमान हमने अलग अलग किए। हाँ फिर कोई क्रिश्चियन आएगा वो बोल देगा वो तो हमारे उसमें लिखा हुआ है यार, जो पहली किताब है बुक ऑफ जीनिसिस उसमें लिखा हुआ है कि लेट देयर बी लाइट, बोल दिया तो वहां से लाइट आ गई। तो ये सिर्फ आप ही की परेशानी थोड़ी ना है भाई, असली बात ये है कि आपके ना वाल्मीकि रामायण में शंकर जी 100 साल तक सेक्स कर रहे थे। तो आपको ये सोचना चाहिए टाइम के स्केल में कि कोई बंदा यार 100 साल सेक्स किया तो वो क्या किया यार ऐसा। हाँ और 100 साल का सेक्स भी कर लिए फिर, लेकिन जब गणेश जी पैदा करना है तो मैल से पैदा हो रहा है। अच्छा यार ये तो बड़ी अजीब सी बात है। दूसरी बात है यार शंकर जी यार है, सीरियसली मैं कभी कभी सोचता हूँ यार, इमेजिनेशन भी सोचो, अगर कहीं भगवान होगा तो शंकर जी होगा भाई। 100 साल तक सेक्स कर डाला यार आदमी। हाँ यहां शंकर जी के भक्त 100 सेकंड नहीं टिकते, 100 साल सेक्स कर दिया वो आदमी। हाँ ये बड़ी गजब की एक बात है। तो ये आपको ना इसका विज्ञान सोचना चाहिए कि ये कैसे हुआ होगा यार 100 साल का सेक्स। हाँ भाई सनातनी भाई। हाँ भाई तो मैंने आपकी सारी सुन ली पर बता दिया मैं अब मेरे को ये 100 साल का सेक्स का विज्ञान सुनना है बस, बाकी का जितना ज्ञान का बात है कर चुका आपके छूसे नहीं छूसे, मेरे को थोड़ा समझाओ 100 साल सेक्स कैसे हुआ। शंकर जी को मानते हो मिलता है पर ये नहीं बताते कि कैसे हुआ ना, ये बताता है यूनिवर्स की बाउंड्री आपको नहीं बताऊंगा ना मैं, नहीं आपको। ओ भाई जितने एथियस्ट भाई मेरे सुन रहे हैं इनको कोई नहीं बताना यार, क्योंकि ये 100 साल शंकर जी का सेक्स मानते हैं। प्लीज जितने एथियस्ट भाई हैं इनको कोई ना बताए, बिग बैंग के बारे में इनसे कोई बात ना करे, ठीक है। ये शंकर जी का 100 साल का सेक्स बताते नहीं, कभी तो मैं कह रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा आप साइंस में बिलीव करते हो? करता हूं। लगता है साइंस मतलब साइंटिफिक नॉलेज जैसी भी कोई चीज होती है? बिल्कुल हाँ होती है ना, होती है। हाँ एक मिनट यार ये थोड़ा सा मेरे को ये बंदे का साइंस बता दे भाई, ये आदमी के सर पे हाथी का सर कैसे रखा यार, इसका साइंस बताओ, इस पे बात होगी आज। हाँ ठीक है तो जो ये जितने भी जो भी देवलोक या जो भी चीज हमारे देवलोक उसमें होती है तो हमारे स्क्रिप्चर बोलते हैं कि वो डिवाइन है, वो नेचर के लॉ के अकॉर्डिंग नहीं चलती, वो इससे बियॉन्ड है, नेचर के लॉ के बियॉन्ड है। हाँ मतलब इस पे जो ह्यूमन लॉज हैं वो नहीं लगते, इसीलिए इनमें ह्यूमन लॉज नहीं लगते। तो अच्छा गणेश जी पे नहीं लगते, गणेश जी पे ह्यूमन लॉ नहीं लगते है ना, देवताओं पर ह्यूमन लॉ जितने हैं देवताओं पे ह्यूमन लॉ नहीं लगते। चलो मान लिया जैसे महाभारत देवता जो है विज्ञान के पार है, मतलब साइंस वहां पे फेल हो जाता है, क्योंकि महाभारत के उसमें आता आदिवर में कि देवताओं का जो शरीर है वो शब्दमय है और उनको किसी भी वितरिंग नहीं होती जितनी एजिंग ये चीजें हैं, तो वो मैं वो नहीं पूछ रहा हूं। मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा हूं, देवताओं का विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, वो अपने ऊपर है विज्ञान से, ठीक है। नेचर के लॉज नहीं लगते उनपे, जो नेचर के लॉज नहीं लगते, ठीक है। अच्छा ये बताओ अगर कोई भारी चीज किसी हल्की चीज पे बैठ जाए तो वो हल्की चीज दब जाएगी? बिल्कुल ठीक है। और गणेश जी पे तो नहीं लगते, ये मान लिया ठीक है। हाँ, ये वाला लॉ गणेश अच्छा। जी पे नहीं लगता, लेकिन ये जो छुछुंदरा यहाँ नीचे में चूहा बैठा है इस पे लगता है? हाँ इसका भी जवाब देता हूँ, जो हाँ, इस पे लगता है कि नहीं? हाँ बता रहा हूँ, नहीं जो जानना इस पे नेचर का लॉ अप्लाई होगा कि नहीं होगा, बस ये बता दो। नहीं भाई वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, जो इस पे भी नहीं होगा कंप्लीट करने दो, जितने देवताओं के अस्त्र और जो हमारे वाहन या जो भी बोला गया महाभारत में भी आती है उसमें लिखा है कि जितने देवताओं के अस्त्र जिनसे एसोसिएटेड चीज है वो सभी डिवाइन और मटेरियल वर्ल्ड से बियॉन्ड होती है, तो उस पे नहीं लगता किसी चीज पे भी। मेरे को एक बात बताओ, आपको कार चलाना आता है? हाँ आता है। हाईएस्ट स्पीड कितना चलाए हो आप कार को? हाईएस्ट तो 100 ही चलाई अभी तक। 100 ठीक है। तो गणेश जी कोई कार पे क्यों नहीं बैठे, मतलब कार वार अच्छा। पे बैठ जाते हैं ना, चूहा पे क्यों बैठे? तो क्या ये चूहा की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा है भाई?
ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ये हेवनली अबोर्ड वाली बात बोल नहीं रहा हूँ, नहीं हेवनली अरे अबोर्ड वो है, ठीक हेवनली अबोर्ड का है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि है। क्या चूहे की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा ही होगी ना, इसीलिए तो वो उसके ऊपर बैठे ना, नहीं तो कार पे बैठ जाते। भाई कोई भी आदमी चाहता है कि मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी जितनी हाँ जल्दी हो सके वहां पहुंच जाऊं। ऐसे हाँ ऐसे ही जो गरुड़ है उसकी स्पीड भी उन्होंने दिखाई हुई है कि वो शब्द से भी तेज चलता है, मतलब वायु से मत, भी नहीं उससे नहीं भी, चूहा का तो बात उस वे कर रहा में हूं, हो सकती है नहीं, चूहा का बात भाई कर ये रहा है हूं, ही। गरुड़ का नहीं। पर ये जो मैं कह रहा हूँ ये चूहा जो आप बोल रहे हो जो भी वाहन है वो हमारे हाँ अकॉर्डिंग नहीं है ना, कि आप बोल रहे हो चूहा हौली हौली भागता है, जो गरुड़ है वो भी एक नॉर्मल उससे कंपेयर नहीं कर सकते, तो उसकी स्पीड हो सकती है अलग। तो ये जो चूहा है इसकी कितनी, 100 से ज्यादा ही होगी मतलब। जितने देवताओं की वाहन है उनकी स्पीड या गति को अलग है, शब्द शब्द लाइट से की तेज है से वो, शब्द मतलब जितनी तेजी से मैं बोला शब्द, जितनी साउंड की स्पीड से जितनी तेज है साउंड, क्या? हाँ साउंड साउंड की स्पीड के बराबर बोल सकते हैं, शब्द में बोला गया उसे, मतलब मार्क वन उससे है, उतनी उनकी साउंड की स्पीड रहती है। स्पीड हम बोलते हैं मार्क वन है ना तकरीबन। हाँ मतलब हाँ अगर मैं गलत नहीं हूं तो साउंड, जो साउंड की स्पीड है ना, ये तकरीबन 1200 किलोमीटर पर आवर से ऊपर जो होती है वो मार्क वन होता है। तो 1200 किलोमीटर पर आवर से तेज है ये, 1200 किलोमीटर पे रुक जाते हैं, मार्क वन की स्पीड है ना। मैंने बोला तो जो जितने भी वाहन है वो इसी डिस्क्राइब किए होंगे, इसी लेवल के हैं, जो भी वाहन उठा लो, गरुड़ अच्छा उठा लो, गरुड़ उठा लो या कुछ भी। हाँ, वो सब इसी के। अच्छा ये क्या है भाई, ये चीज क्या चीज है, ये मैडम खड़ी जो सामने। ये तो एक गौ माता के अंदर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि देवताओं का, जैसे तो बोला जाता है गाय देवताओं की माता वास होती है है क्या, इसमें। गाय माता है मतलब, हाँ, जैसे धरती माता है वैसे गाय माता है। गाय को आप मानते हो माता? हाँ माता इन द सेंस मानते हैं कि जिससे हमें नरिशमेंट होती है, नर्चरिंग होती है, जो नहीं करती नहीं है हमारी, वैसे मैं जैसे पूछ रहा धरती हूं, माता को बोलते हैं। नहीं तो गऊ को क्या हाँ मानते हो बोलने को आप, मानते हैं, गाय माता मतलब बोलते हैं हम आप रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट में बोलते हो, में। इसको क्या बोलते हो? ये सांड है, ये तो सांड है, ये अलग एनिमल है। इसको क्या बोलते हो पापा? भाई अच्छा धरती माता तो फिर धरती पापा भी होना चाहिए कोई, भाई ये क्या बात है, अरे भाई तो अब धरती माता माता इसीलिए आप बोलते बोलते हो ना, मैं तो नहीं बोलता, मैं पूछ रहा हूं, जिसको जिसको माँ मानते हो तो क्यों बोलते हैं ये तो उसका समझना पड़ेगा हस्बैंड को क्या ना। बोलते हो? माता हम इसलिए बोलते हैं कि जिससे हमारी नरिशमेंट हो रही है, जैसे गाय के दूध से हमें नरिशमेंट मिलती है और जो चीजें हमें काम आती हैं घी और ये चीजें, उसी तरीके से जो हमारी धरती है उससे हमें फसलें ये चीजें मिले तो नरिशमेंट हो रही है, तो हम माता रिस्पेक्ट में बोलते हैं। अच्छा तो ये बाप नहीं है मगर, ये सांड। नहीं भाई जैसे धरती भारत माता है तो भारत माता को बाप थोड़ी कोई बोल सकता कि बाप है इसका, कोई नहीं नहीं हमारे भारत सोल्जर जो माता बोलते यार, हैं अब ये भारत सब माता की जय, आप बोल रहे हो ना, आप बोल रहे हो। तो हम तो रिस्पेक्टफुल वे में बोल रहे हैं ना, इसमें प्रॉब्लम क्या। अच्छा, ये जो अंकल है अपने, ये सांप कैसे लटकाए हुए हैं, इसके पीछे क्या विज्ञान होगा, मतलब सांप लटका हुआ है इनके, तो सांप चापता नहीं इनको? अच्छा भाई सांप काटता नहीं इनको। इन्होंने हाँ बोला, भाई इन्होंने बोला कि वो पहले नरिशमेंट की वजह से उनको माता बोलती हैं, तो सनातनी भाई ये बताइए कि अब सांड के बिना माता आपको दूध दे सकती है, मतलब फिर कैसे नरिशमेंट होगी आपकी अगर हाँ सांड नहीं ये भी होगा, तो बात, मतलब ये उस सही सवाल, उसका रोल मैंने यार आप वैसे कैसे, मतलब रुको, कैसे उसको यार, हाँ मतलब भाई आपको इग्नोर कर रहे हो, यार मतलब नहीं ये सवाल, गलत मैंने है तो ना आपका, दूध कैसे देगी गौ बताओ। माता वापस लाते हैं, ये नहीं हाँ अपना मतलब अंकल को गौ वापस लाते हैं, बहुत अच्छा सवाल आ जाता है। माता जो है वो तो हमने वो दिया ना कि जो हमारी नरिशमेंट नहीं में यार हेल्प अभी करती है, आपने अब आप देखो तो ये बताओ। सनातनी भाई, नरिशमेंट का आपने लॉजिक दिया, हमने नहीं दिया, अभी जब अमित सर ने पूछा आपसे कि माता क्यों बोलते हो, तो आपने सिंपली ये लॉजिक दे के टाल दिया कि देखो तो धरती हमको फसल देती है इसलिए धरती को हम सम्मान में माता बोलते हैं, और गाय से हमें दूध मिलता है इसलिए हम उसके सम्मान में गाय को माता बोलते हैं, क्योंकि उसके दूध से हमें नरिशमेंट मिलता है, ठीक है। तो भाई अब नरिशमेंट तो तभी मिलेगा ना जब सांड के साथ उसका मैटिंग होगी, बिना मैटिंग के तो वो तो आपको भाई कि भाई दूध वो तो कैसे, एक तो प्रोसेस है ना रिप्रोडक्शन वाला, वो तो अलग चीज होगी, हम तो मैं तो प्रोडक्शन इसी बगैर इस सांड के वे में पूरी बोल रहा नहीं हूँ ना। होगी ना, नहीं पूरी तो नहीं हो सकती ना सांड के बिना, तो तो फिर भाई उसको इग्नोर कैसे कर रहे हो फिर आप? यार ये तो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है ना, इसमें आप ये थोड़ी कह सकते हो कि पीछे, एंजॉय भाई मैंने तो करो बोला कि बात। नहीं नहीं इस सांड की जरूरत नहीं है, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ये तो नहीं प्रोसेस है सवाल जो बहुत हम अच्छा पूछे लोग, आजाद, बहुत सही सवाल है भाई। फिर तो भाई भाई माता माता फिर तो वो देखो उसको इग्नोर क्यों, फिर वो क्या लगा आपका, कुछ उसका कोई रोल ही नहीं है, मतलब उसको सीधा इग्नोर मार दिया अरे भाई। भाई
मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जो हमारी नरिशमेंट करते हैं उस वे में, हम सिर्फ जो हमें जो जो भी अरे चीज तो मिलती है उसमें में हम भाई बोलते हैं माता, नरिशमेंट ये के तो लिए एक जो जो प्रोसेस हो गया चीजें, ना। नरिशमेंट के लिए जो जो चीजें इन्वॉल्व है उसमें और जो जो चीजें सहायक है, हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते ना। अच्छा तो मतलब फिर भाई अगर मैं, सुनो सुनो, अगर आपको कोई बोले यार कि मतलब तुम्हारे पेरेंट्स कौन है, तो तुम सिर्फ मम्मी का नाम बताना, पापा को भूल जाना, वो बाप कौन है उससे मतलब नहीं है बाप से। वो कहे भाई बाप से क्यों आपने तो मतलब। पेरेंट्स बोला ना, मैं सिर्फ माँ की बात कर रहा हूँ अच्छा अभी। सनातनी जी, 1 घंटे से ऊपर ये हमने तो आपको बात टाइम दे है। दिया है, आप अपनी बातों को हाँ जी समाप्त कर दें क्योंकि काफी आजा लोग जी, नीचे लोग वहां। पूछ रहे हैं भैंस कौन है, हाँ जी, भैंस भैंस के बारे में और बता दे वो कौन है। हाँ तो मैं हाँ समअप यार, कर चलो लूँ, इनका बस समअप तो यही करूंगा कि समझो। जो क्वेश्चन मेरे वही थे, इसी से मैं पूछता था, वो मुझे उसका जवाब नहीं देता होगा कि ये जो अरे स्पेस टाइम है ये सनातन जी, कैसे जाते क्रिएट जाते हुआ, एक जो चीज, मंजूर और नहीं है बता ना देता सर। हूँ मैं आपको, एक ट्रिविया फैक्ट बता देता हूँ। अच्छा, श्वेताश्वर उपनिषद के बात करी थी आपने, श्वेताश्वर का मतलब पता है आपको, हाँ श्वेताश्वर का क्या होता है, क्या मतलब होता है भाई, श्वेताश्वर का? इतनी टेक्निकल है वो, उस टाइम में मैं जाता नहीं, पर पढ़ा हुआ था मैंने। अरे बेटा, श्वेताश्वर उपनिषद पे ज्ञान पेल रहे थे, मतलब श्वेताश्वर का पता ही नहीं। ऋषि है ना चलो श्वेताश्वर, बता श्वेता देता हूँ, श्वेता बता देता, ऋषि है, अरे बता देता, अरे ऋषि है ना सुन लो श्वेता बेटा, श्वेता ना। अरे कोई ऋषि नहीं है, श्वेताश्वर का मतलब होता है सफेद घोड़ा, तुम्हारा सब कुछ घोड़े से ही अगर दिखा दिया निकलता है। ऋषि है, रुको 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 रुको, अरे दिखा दिया जाके अगर, घोड़ा बोलो देख लो, उसमें सफेद घोड़ा लिखा हुआ है नीचे, ओके जाके मैं पढ़ दिखाऊं लिया क्या करो सही पहले अभी, पूरा, सब कुछ घोड़े से ही निकलता है तुम्हारा और घोड़े में ही जाता है, उससे आगे तुम सोच ही नहीं दिखाऊं पाते। ना, बोलो रेफरेंस अरे दिखा मैं दो, दिखा देता हूँ, क्या तकलीफ है? अरे मैं दिखा रहा हूँ, ये लो ये लो, ये तुम्हें रहा, क्या दिखाना, ये मैं है दिखा देता अध्याय हूँ। अध्याय 6 का 21, श्वेता श्वेता ऋषि ने सुनिए तपोबल सनातनी जी, और नेक्स्ट टाइम हम परमात्मा की। श्वेताश्वर उपनिषद अरे पे ही हम इसका बात कर मतलब लेंगे, सफेद उपनिषद हम घोड़ा खोल देंगे होता है, आपके लिए, ठीक श्वेताश्वर है ऋषि सनातनी तो जी? ओके नाम भैया, है, नंबर वाले, ठीक है श्वेताश्वर भैया, का ओके मतलब ठीक सफेद घोड़ा है। होता है, श्वेत मत अश्व लीजिए से जी, बना जाने हुआ है दीजिए, अरे श्वेताश्वर। मैं जाने ठीक, दीजिए, सनातनी जी नेक्स्ट टाइम आपकी आइएगा, ठीक जानकारियां है। बड़ी कमजोर हैं। ओके।